हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यूपीटी जीटी पीजीटी की परीक्षा में आए एक नेट ट्विस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से यूपीटी जीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई है, तभी से छात्र जो हैं वो दो वर्गों में विभाजित दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक वर्ग चाहता है कि आपकी परीक्षा को तय समय यानी कि अगस्त में करा लिया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा करा लिया जाए, जबकि दूसरा वर्ग ये चाहता है कि कम से कम 2 माह का समय परीक्षा के लिए मिलना चाहिए और कोरोना के चलते वो समय नहीं मिल पाया है तो परीक्षा तिथि को अक्टूबर या सितंबर कर दिया जाए। जिसके चलते आपके जो प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान जी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है। इससे पहले भी उन्होंने कई सारे पत्र लिखे और कल भी उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सचिव से मिलने का समय मांगा है और उसमें वो परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने पर चर्चा करने वाले हैं और इस पर दबाव डालने वाले हैं कि परीक्षा तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। अब डिपेंड करता है कि उन्हें ये समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर समय दिया जाता है तो काफ़ी हद तक चांस बढ़ जाएंगे कि आपकी परीक्षा तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि अगर परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा तो पूरी तरीके से सारी जो प्रक्रिया है उसको भी आगे बढ़ना होगा और धीरे धीरे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 से 5 क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, उस पर काफ़ी सारे केस चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है और प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए जितना जल्दी ये परीक्षा करा ली जाए उतना ही अच्छा है। आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है इस ट्विस्ट के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए नमस्कार।